60 के दशक की एक शोक और सुंदर अदाकारा साधना शिवदास ने, जिसे उनकी एक से एक बेहतरीन फिल्मों और गानों के लिए याद किया जाता है। लग जा गले के फिर। एक दौर था जब साधना पर कोई भी गाना फिल्माया जाता तो वह सुपरहिट हो जाता। उन पर गाए ज्यादातर गाने कालजयी है और आज भी लाखों लोगों की जुबान पर चस्पा है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। वो अदाकारा जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, लेकिन बंटवारे के बाद वो अपने माता पिता के साथ भारत आ गई और यहीं की होकर रह गई। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। वो अभिनेत्री जिन्हें भारतीय फिल्म जगत में बालों का एक नया स्टाइल शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, और आज की हीरोइनें भी साधना हेयर कट को पसंद करती है। साज बजने लगे आंचल में धनक जाग उठी। वो अभिनेत्री जिसका चेहरा सामने आते ही सिने प्रेमियों की बांछें खिल जाया करती थी, जो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उस दौर की फैशन आइकॉन भी थी। बस इतना बता दो हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधना ने जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गई। अपनी पहली ही फिल्म में उनकी अभिनेता राज कपूर से अनबन हो गई। मेरी पत्नी हो रेखा, तुम मेरी पत्नी हो। कभी ऐशो आराम से जीने वाली साधना आखिरी समय में गुमनामी में खो गई। यहाँ तक कि आशा भोंसले के साथ उनका एक ऐसा विवाद हुआ कि वो बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते परेशान हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो मशहूर गायिका आशा भोंसले को अभिनेत्री साधना पर मुकदमा करना पड़ा? आखिर किस बात पर अपनी पहली ही फिल्म में साधना की राज कपूर के साथ अनबन हो गई थी? आखिर साधना हेयरकट के पीछे की कहानी क्या है और क्यों आज की हीरोइनें भी ये हेयरकट करवाती है? आखिर क्यों एक्टिंग से बेइंतहा प्यार करने वाली साधना ने हमेशा के लिए फिल्म जगत को छोड़ दिया? आखिर क्यों साधना को 20 सालों तक तन्हाई में जिंदगी जीनी पड़ी? क्यों आखिरी वक्त में किसी ने उनकी मदद नहीं की? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए हमारा एक खास एपिसोड। साधना का जन्म साल 1941 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। कहते हैं कि साधना के पिता ने 1930 की अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर उनका नाम साधना रखा था। बंटवारे के बाद वह अपने माता पिता के साथ भारत आ गई थी। अपने माता पिता की इकलौती औलाद साधना नाजो से पली बड़ी और 8 साल की उम्र तक स्कूल का मुंह नहीं देखा था। हालांकि बाद में ग्रेजुएशन कर लिया था। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए साधना भी हीरोइन बनने का ख्वाब छोटी उम्र से ही देखने लगी थी। 15 साल की उम्र में साधना की फिल्मों में एंट्री फिल्म सी 420 से हुई। इस फिल्म में दिग्गज कलाकार राज कपूर भी थे। शूटिंग के दौरान साधना लगातार अपने बाल संवारा करती थी, जिससे नाराज होकर एक्टर राज कपूर ने उन्हें फटकार लगा दी थी। राज के टोकने पर साधना भी नाराज हो गई। साधना ने इस फिल्म में मशहूर गाने रमैया वस्ता वैया पर एक्स्ट्रा डांसर के तौर पर परफॉर्म किया था। यह फिल्म जब रिलीज हुई तो साधना अपने दोस्तों को अपना रोल दिखाने के लिए सिनेमा हॉल पहुंची। गाना आया और खत्म हो गया, लेकिन साधना सिल्वर स्क्रीन पर कहीं भी नजर नहीं आई, जिसके बाद दोस्तों के बीच शर्मिंदगी महसूस होने पर वो रोने लगी। दरअसल एक्टिंग में उनके हिस्से का डांस काट दिया गया था। श्री 420 से साधना की एक तस्वीर स्क्रीन मूवी मैगजीन में छपी थी, जिस पर उस जमाने के पॉपुलर फिल्म मेकर शशाधर मुखर्जी की नजर पड़ गई। इसके बाद साधना ने उनकी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ली। 16 साल की उम्र में उन्हें फिल्म लव इन शिमला मिली। इसकी शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर को साधना का माथा बहुत बड़ा और चेहरा अजीब लग रहा था, तो उन्होंने हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह साधना का हेयर स्टाइल करवा दिया और माथा छुपाने के लिए आगे के बालों को माथे पर बिखेर दिया।
बाद में यही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बनी और साधना हेयर स्टाइल के तौर पर मशहूर हो गई। आज की हीरोइनें भी ये हेयर कट करवाती है। डायरेक्टर आर के नेहर के साथ फिल्म में काम करते करते साधना उन पर फिदा हो गई थी और साल 1966 में उनसे शादी कर ली। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थी और नेहर 22 साल के। साधना के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हो पाई। एक ब्याही लड़की का घर उसके पति का घर होता है, अब यही मेरा महल है। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद तो एक्ट्रेस को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। रातों रात स्टार बनी साधना को साथ मिला हैंडसम एक्टर देवानंद का। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। समय के साथ स्टार साधना का रुतबा और शोहरत बढ़ता गया। शादी के कुछ साल तक तो साधना और आर के नैयर की लाइफ बहुत ही खुशहाल कटी, लेकिन कुछ सालों के बाद नैयर की फिल्में एक साथ कई फ्लॉप हो गई। साधना ने शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक लिया था, लेकिन कर्ज को देखते हुए फिल्मों में फिर से वापस आ गई। लेकिन जब उन्हें माँ और बहन के रोल ही ऑफर होने लगे तो उन्होंने फिल्में करना छोड़ दी, जिसके बाद साधना का बुरा वक्त शुरू हो गया था। घर गिरवी रखना पड़ा, मुझे नौकरी करनी पड़ी। दरअसल शादी के 30 साल बाद आर के नेहर का अस्थमा से निधन हो गया था और पति की मौत के बाद साधना पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, चल जाइए यहाँ से। चूंकि साधना की कोई संतान नहीं थी, ऐसे में वो एकदम अकेली पड़ चुकी थी। इसी बीच उन्हें थायराइड भी हो गया, जिसे उनका चेहरा पहले जैसा खूबसूरत नहीं रहा। उनकी आंखों में भी परेशानी बढ़ गई। धड़कना दिल का काम है, लेकिन दिमाग अगर दिल बन जाए तो सोचना दिल का काम। और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट फंक्शन में जाना और फोटो तक खिंचवाना बंद कर दिया। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी जीने लगी। कैसे कैसे साधना की खास दोस्त तबस्सुम ने 2015 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि पति की मौत के 20 साल बाद तक उन्होंने तनहाई में जिंदगी जी। कहती थी मौत तो बेचारी बदनाम है, जिंदगी ज्यादा तकलीफ देती है। साधना की यादगार फिल्मों में लव इन शिमला, हम दोनों, एक मुसाफिर एक हसीना, असली नकली, मेरा महबूब, आरजू, वक्त, साया, अनीता, इंतकाम, राजकुमार, सच्चाई, एक फूल दो माली और वो कौन थी शामिल है। ए, ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा, पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता। आखिरी दिनों में भी वो मुंबई के एक पुराने बंगले में किराए पर रहती थी। वो आशा भोंसले का बंगला था। साधना के इस बंगले पर एक बिल्डर की नजर थी। उसने आशा भोंसले को अच्छे दाम पर साधना का बंगला खरीदने का ऑफर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिल्डर कुछ लोगों को लेकर साधना के घर उन्हें धमकाने भी गया था। वहीं आशा भोंसले को उस घर के लिए बिल्डर ने इतनी रकम ऑफर की थी, उन्होंने भी साधना पर केस दर्ज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त साधना ने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से सपोर्ट मांगा, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि महेश भट्ट और सलीम खान ने साधना की मदद की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसी टेंशन में साधना की तबीयत खराब होती चली गई। बीमार होने के बावजूद साधना को लगातार कोर्ट और पुलिस के चक्कर काटने पड़ते थे, जो उनके लिए बहुत ही बुरा अनुभव था। गिरती सेहत और कानूनी कामों को संभालना उनके बस का नहीं था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। साल 2014 में एक्ट्रेस की हालत बेहद बिगड़ गई थी, जिसके चलते उनकी सर्जरी करवाई गई थी। इसके एक साल बाद 25 दिसंबर 2015 में साधना शिवदासनी का निधन हो गया। एक्ट्रेस को तेज बुखार होने के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। इस तरह संघर्षों से जूझते हुए 25 दिसंबर 2015 को साधना इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।